सिम्बॉयसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठे किवळे पुणे. सिम्बॉयसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठ किवळे पुणे हे महाराष्ट्रातील पहिले कौशल्य विद्यापीठ आहे. मान्य श्री भगतसिंग कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांनी मंगळवार 17 ऑगस्ट 2021 रोजी सदर विद्यापीठास भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विद्यापीठाच्या आवारामध्ये व्यावसायिक भागीदारांनी उभ्या केलेल्या रिटेल ब्युटी वेलनेस आणि अभियांत्रिकी विभागाच्या कौशल्य शिक्षण प्रयोगशाळांची पाहणी केली. या अभ्यासक्रमांसाठी उभ्या केलेल्या अशा जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा पाहून ते प्रभावित झाले. डॉक्टर एस बी मुजुमदार कुलपती यांनी मान्य राज्यपालांचे स्वागत आणि सत्कार करून सिम्बॉयसिसची यशोगाथा सांगितली. डॉक्टर स्वाटी मुजुमदार प्र कुलपती यांनी विद्यापीठाचे ध्येय धोरण आणि अध्यापन शास्त्र यांचे सादरीकरण करताना कौशल्य शिक्षणाचे महत्व विशद केले. डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा कुलगुरू यांनी विभागस्तरीय अभ्यासक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. या विद्यापीठामध्ये 3000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शास्त्र, डेटा सायन्स, स्थापत्य, ब्युटी वेलनेस यासारख्या महत्वपूर्ण अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत आहेत. कंपनीत जाऊन करावयाची वार्षिक इंटर्नशिप ही या प्रत्येक अभ्यासक्रमाचा एक अविभाज्य घटक आहे. मान्य राज्यपालांनी दरवर्षी होणाऱ्या 100% इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंटच्या यशाबद्दल विद्यापीठाची प्रशंसा केली. COVID-19 सारख्या जागतिक महामारीच्या आव्हानात्मक काळातही हे यश विद्यापीठाने राखले याबद्दल त्यांनी विशेष समाधान व्यक्त केले. मान्य राज्यपालांनी कुलपती डॉक्टर एस बी मुजुमदार यांच्या दूरदृष्टीची आणि डॉक्टर स्वाती मुजुमदार यांनी महाराष्ट्रात प्रस्थापित केलेल्या अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या कौशल्य विद्यापीठाचे कौतुक केले. विद्यापीठाच्या सर्व विभाग प्रमुखांशी संवाद साधत तिथल्या गुणवान आणि प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या अध्यापिकांचीही राज्यपालांनी प्रशंसा केली. पहिले तो मैं युनिवर्सिटी को मुजुमदार साहब को धन्यवाद के बजाय आपको धन्यवाद देता. ये सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मुझे सिम्बोसिस के बारे में जानकारी थी, मैं उनकी यूनिवर्सिटी को विजिट भी किया हूँ, बड़ा अच्छा नाम है. लेकिन इनकी स्किल यूनिवर्सिटी चलती है और इतनी अच्छी चलती है, ये मुझे 2 दिन पहले स्वाति जी आई और इन्होंने कहा कि हमारी इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा और ये शायद हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट का सौभाग्य होगा कि उनका गवर्नर या उनका चीफ मिनिस्टर या उनका मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर लेबर यहाँ पर आए और यहाँ से सीख करके जाए कि किस प्रकार से एक यंग इंटरप्रेन्योर, स्टिल यंग है, इनके पिताजी का भी बहुत प्रसिद्ध है, किस प्रकार से हमारे युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहा है. इस विश्वविद्यालय की जिस प्रकार की परिकल्पना है और जिस ढंग से लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज दिए जा रहे हैं, उनको डिग्री दी जा रही है और उनका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सीधे प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने कहा कि मुझे प्लेसमेंट से भी आगे चाहिए. तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस पिछले 2-3 साल में 50 से ज़्यादा लोगों ने अपने इंडस्ट्री शुरू की है, अपना काम शुरू किया है, अपना स्टार्टअप शुरू किया है. तो ये विश्वविद्यालय एक प्रकार का जो नीड ऑफ द आवर है, जो आज की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये अति आवश्यक है. और मैं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक सरदेव मजुमदार साहब और इसके गांधी जी और इतना सुंदर संचालन कर रहे भाई सुनाथ शर्मा जी, इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ. और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि ये विश्वविद्यालय और जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इनका आपके माध्यम से जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, उतना आप देश की सेवा करेंगे. यू विल बी सर्विंग द कंट्री, देश की सेवा करेंगे. मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय एक आदर्श बन करके देश के लोगों के रोजगार देने के लिए, उनको रोजगार पैदा करने के लिए एक उदाहरण बनेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. राज्यपाल महोदय, एनसीबी के सुप्रीमो ने आप पे क्रिटिसाइज किया है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, इसलिए आपको काफी चीजें फॉरगेट. अपन पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल.